गवर्नमेंट बजट, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. एज वी नो, हम जानते हैं गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट. गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट की एक वार्षिक स्टेटमेंट है, शोइंग आइटमाइज एस्टीमेट्स. जो आइटमाइज एस्टीमेट्स मीन्स एक अनुमान को शो करता है ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, कि फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट को कितना रिसिप्ट होगा, कितनी प्राप्तियां होंगी एंड एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी. फिस्कल ईयर मीन्स ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. सो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटमाइज एस्टीमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कंपोनेंट्स किसको रेफर करता है? कंपोनेंट्स ऑफ बजट रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, गवर्नमेंट बजट के ढांचे को बताता है. टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट आर रिवेन्यू बजट एंड द कैपिटल बजट. व्हाट इज रिवेन्यू बजट? रिवेन्यू बजट क्या है? एज इट क्लियर बाय इट्स नेम, इसके नेम से क्लियर है, इट डील्स विद द रिवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट. ये गवर्नमेंट बजट के रिवेन्यू एस्पेक्ट की प्राप्तियों में डील करता है. इट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता है हाउ रिवेन्यू इज जनरेटेड, गवर्नमेंट कैसे रिवेन्यू को जनरेट करेगी और कलेक्ट कैसे या कैसे कलेक्ट करेगी, एंड हाउ इट इज एलोकेटिंग, इसको कैसे एलोकेट किया जाएगा अमंग वेरियस एक्सपेंडिचर हेड्स. इट डील्स विद द रिवेन्यू एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट. इट एक्सप्लेन हाउ रिवेन्यू इज जनरेटेड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड हाउ इट इज एलोकेटेड अमंग वेरियस एक्सपेंडिचर हेड्स. रिवेन्यू बजट हैज टू पार्ट्स. रिवेन्यू बजट के टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज द रिवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकेंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू बजट हैज टू पार्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ कैपिटल बजट. कैपिटल बजट किस में डील करेगा? कैपिटल में. इट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट. इट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू बजट के टू पार्ट्स हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल बजट के भी टू पार्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल बजट, इट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ बजट रिसिप्ट, कि गवर्नमेंट का बजट रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट हमें पता है, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट. गवर्नमेंट की वो एस्टिमेटेड एक अनुमानित मनी रिसिप्ट है फ्रॉम ऑल सोर्सेस, जो गवर्नमेंट को सभी सोर्सेस से प्राप्त होगा ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर में. बजट रिसिप्ट मे बी फर्दर क्लासिफाइड, लुक एट द स्क्रीन. बजट रिसिप्ट मे बी फर्दर क्लासिफाइड. बजट रिसिप्ट को हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं इंटू टू पार्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट. रिवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट. व्हाट इज रिवेन्यू रिसिप्ट एंड व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट, वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. नाउ रिवेन्यू रिसिप्ट, कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोस रिसिप्ट. रिवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट का वो रिसिप्ट है विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, जो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता, एंड नोर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स को क्या करता है? रिड्यूस करता है. रिवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोस रिसिप्ट, गवर्नमेंट का वो रिसिप्ट है नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, जो ना तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करता है, एंड नोर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स को क्या करता है? रिड्यूस करता है. टैक्स, टैक्स गवर्नमेंट के ऊपर ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करता है, एंड नोर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो रिवेन्यू रिसिप्ट, अगेन लिसन मी केयरफुली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. रिवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नोर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. नेचर, रिवेन्यू रिसिप्ट का नेचर कैसा है? दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर. इसका नेचर कैसा है? रेगुलर एंड रेकरिंग, कि ये गवर्नमेंट की बार बार होने वाली इनकम है. एंड गवर्नमेंट रिसीव देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज. अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में गवर्नमेंट इनको रिसीव करती है, लाइक टैक्स. अ
रिसिप्ट इज अ रिवेन्यू रिसिप्ट, एक रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट है इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग टू कंडीशन, अगर ये इन टू कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. फर्स्ट वन इज द रिसिप्ट मस्ट नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल टैक्स लीव बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है टैक्स लगाती है, और रिवेन्यू रिसिप्ट वो गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसिप्ट है, दे डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता, गवर्नमेंट ऊपर उसको वापस रीपे करने के लिए लाइबल नहीं है. हाउएवर एनी अमाउंट, अगर हम किसी और अमाउंट की बात करें लाइक बोरो बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने हमारे से उधार लिया है, उससे तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो वो गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है. सेकेंड, दे मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन द एसेट्स. नाउ टू सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू, गवर्नमेंट के रिवेन्यू के टू सोर्सेज हैं, टू सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट. फर्स्ट वन इज द टैक्स रिवेन्यू एंड सेकेंड नॉन टैक्स रिवेन्यू. गवर्नमेंट के रिवेन्यू रिसिप्ट के टू सोर्सेज हैं जिससे ना तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस होती है. फर्स्ट वन इज द टैक्स रिवेन्यू एंड सेकेंड नॉन टैक्स रिवेन्यू. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टैक्स रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो इम्पोज करती है, जो लगाती है टैक्स या अदर ड्यूटीज, उससे जो गवर्नमेंट को रिसिप्ट होता है दैट इज द टैक्स रिवेन्यू. टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट, ये कंपल्सरी पेमेंट है मेड बाय पीपल एंड कंपनीज, जो पीपल और कंपनीज को करनी पड़ती है टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को, विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट्स इन रिटर्न. उसके बदले में हमें गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता. हम ये पेमेंट तो करते हैं टैक्स की, कंपनीज भी करती हैं, पीपल भी करती हैं, बट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, लेकिन गवर्नमेंट से हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं मिलता. टैक्स रिवेन्यू रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल एंड कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न. इट मीन्स देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स. फर्स्ट वन इज द टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट, ये कंपल्सरी पेमेंट है, नो वन कैन रिफ्यूज टू रिपे इट, और कोई भी इसको पे करने से मना नहीं कर सकता. सेकेंड, टैक्स रिसिप्ट आर स्पेंड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ द पीपल इन द कंट्री. जो गवर्नमेंट को टैक्स मिला है, जो टैक्स से रिसिप्ट हुआ है, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, खर्च करेगी कंट्री के कॉमन बेनिफिट के लिए, सभी लोगों के बेनिफिट के लिए. एट टैक्स पेयर, एक टैक्स पे करने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर सकता गवर्नमेंट से, टैक्स अमाउंट विल बी यूज फॉर हिज डायरेक्ट बेनिफिट, कि टैक्स उसके बेनिफिट के लिए खर्च किया जाएगा. टैक्स रिवेन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, हम टैक्स रिवेन्यू को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं. एक तो डायरेक्ट टैक्स है एंड सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स. टैक्स रिवेन्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स, नंबर वन, डायरेक्ट टैक्स आर लिव्ड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर है, इंडिविजुअल्स और कंपनीज पे लगाया जाता है. इनडायरेक्ट आर लिव्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे. सेकंड, शिफ्ट ऑफ बर्डन, जो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन है कैन नॉट बी शिफ्टेड, एक पर्सन उसको शिफ्ट नहीं कर सकता. दैट इज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन, कि जिसके ऊपर टैक्स लगा है उसी को ही पे करना है. एग्जाम्पल, इनकम टैक्स मेरी इनकम पे लगा तो मुझे ही पे करना है. इंटरेस्ट टैक्स, टैक्स डेथ टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स. और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, द बर्डन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इसके बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है. दैट इज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन डिफरेंट पर्सन लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. लगता तो किसी और पे है लेकिन पे कौन करता है, कंज्यूमर को पे करना पड़ता है. नेचर, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, जो डायरेक्ट टैक्स है प्रोग्रेसिव इन नेचर है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमें टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा. इनडायरेक्ट टैक्स दे आर जनरली प्रोपोर्शनल इन नेचर, ये किस नेचर में है, प्रोपोर्शनल नेचर में है. कवरेज, डायरेक्ट टैक्स हैव लिमिटेड रीच एज दे डू नॉट रीच ऑल सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी. इसकी रीच क्या है, ये लिमिटेड रीच है, कि रिच पे ज्यादा लगेगा, पुअर पे कम लगेगा. अगर बहुत पुअर है तो उसको नहीं पे करना पड़ेगा, तो इसकी लिमिटेड रीच है. इनडायरेक्ट टैक्सेस दे हैव अ वाइड रीच, इसकी वाइड कवरेज है, दे रीच ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी.